चलो चले। वो हफ्ते में एक दिन मकफीला में तन्हा गुजारते हैं, इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब ना होगा। वो इबादत के वक्त दूसरे कामों पर तवज्जो नहीं देते। खुशकिस्मती से वो इस वक्त मकफीला में है और यही बेहतरीन मौका है कि बगैर किसी मुदाखलत के उनसे सुकून से बात कर सके। चलो चलकर देखते हैं कि क्या होता है। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम बच्चों। अपने माबूद के साथ राजो न्याज में मशगूल हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही दुआ गो रहता हूं। यहां क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना कि आज मैं दूसरा कोई और काम अंजाम नहीं देता। हम आपसे इजाजत लेने आए हैं ताकि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाएं। क्या हुआ, अचानक तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों आया? वो कोई खास बात नहीं, बस हम चाहते हैं कि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाकर थोड़ा तफरी करें, खेले कूदें और उसे जानवर चराने के कुछ तौर तरीके भी सिखाएं। तुम्हें तो पता है कि अभी तो यूसुफ के खेलने कूदने के दिन हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी तुम्हारी तरह सहरा में जाएगा। हम वादा करते हैं उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। अभी मुनासिब नहीं, बाद में फिर सही। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यह काम तुम लोगों के बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का था तो खुद क्यों नहीं चले गए? मेरा ख्याल है हम नबी जादे हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे या मार सकते हो। हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा। मेरे जहन में एक तरकीब है। अब एक ही शख्स है जो बाबा को राजी कर सकता है कि वो यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने दें। वो है खुद यूसुफ। उसे वरगलाएं, उसे सहरा में घूमने फिरने और खेलने कूदने का मजा बताएं, तो वो खुद ही जब हमारे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो यकीनन बाबा इनकार नहीं करेंगे। ये भी ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं, सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें।
यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत क्यों नहीं देते, ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई है? नहीं, कैसी होती है? बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी है? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है, उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है, और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखे। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते? कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की जबानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगर जिस सेहरा जाना और ये काम सीखना उसके हाथ में बेहतर होगा, लेकिन अभी गल्ले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे? मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहाँ पहुँचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमला आवर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िया एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िये को मारा, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िये के हमले से भी ना बचा सकें। बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे, यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा कि इजाज़त दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूं। ठीक है, चले जाओ बाबा। आप पर दुरूद बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। चलो यूसुफ, चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो, हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है।
बाबा ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलील रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा साहब को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना, ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। चलो चले। लो यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ चले। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है चले। चल परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरख्वाह और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है, ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा, अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे।
ये क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस कसम का खेल है? पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। क्यों, क्या हुआ? रोते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं है, चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? देखो तो तुम हम पर बर्तरी के ख्वाहिश मान दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं, तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाहगाह थी, अब कहाँ है? बोलो कहाँ है? अब बुलबुल जबानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं? Thank you.
मकान से बाहर यूसुफ को छोड़ने गए हैं। क्या हुआ, तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए? तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो राहिल के बेटे? अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो, अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम? बाबा, यूसुफ कहाँ है? अपने भाइयों के साथ सहरा गया हुआ है। आपने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कई बार अपने भाइयों को यूसुफ के खिलाफ साजिशें करते हुए देखा है, क्यों इजाजत दे दी? परेशान मत हो मेरी बच्ची, उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने जाए। क्या आप उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहुत इसरार किया और उनके इत्मीनान को बहाल करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी है, मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं। यूसुफ एक तारीख जगह पर था और मुसलसल रो रहा था। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है, देखना वो यूसुफ को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं। अब खाक पर कौन गिरा हुआ है, तुम या हम? अपने आगे उन सजदा करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। डाउन, मुझे छोड़ दो, मैं इसको मरूंगा मार राहिल के पास भेज दूंगा। छोड़ दो मुझे। धनमान ये नहीं दे पाया था, हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया, एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूं कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लावी को माफ कर दो। खुदा की कसम, मुझे मालूम न थे ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला दुनिया के लिए आमादा रहे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाजिल होगी। तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी कैसी? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा था और चमकार रहा था। यहूदा ने मुझे सवारी पर बिठाया। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए और न किसी खतरे का खौफ हो, और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई हैं। अफसोस, किसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया? बोलो, अब इसका क्या करना है? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलते हैं। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो।
क्या करूं, ये हम दोनों को ही मार डालेंगे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी जान बचाना है, आगे का खुदा मालिक है। ऐसा करते हैं, इसे किसी कारवां के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो इसे अपने साथ दूर ले जाएं। लेकिन हम खुद अपने हाथों से तो इसे कारवां के हवाले नहीं कर सकते ना, उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा। क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ कारवां वालों के हाथ लग जाए, जैसे किसी दरख्त वगैरह के ऊपर। बेहतर होगा इसे किसी कुएं में छुपा दें ताकि जब कारवां वाले पानी निकालेंगे तो इसे पाकर खुद अपने साथ ले जाएंगे। खारे पानी का कुआं, यहाँ नजदीक ही में एक कुआं है जहाँ से हिजाज वालों का तिजारती काफिला गुजरता है, अगर उसे वहाँ छोड़ दें तो काफले वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलो दान नफ्ताली रेवड़ आगे बढ़ाओ। बाबा वो कब वापस लौटेंगे? परेशान मत हो, अभी गुरूब होने में काफी वक्त है। कुछ रोज पहले यहूदा यूसुफ को सजा देना चाहता था लेकिन लावी ने रोक दिया। क्यों? क्या यूसुफ ने कोई गलती की थी? नहीं बाबा, बस वो यहूदा को अपना ख्वाब नहीं बताना चाहता था। वो तो मैंने उसे बताने से मना किया था। हुआ? अब तक क्यों नहीं पहुंचे? यही नजदीक में तो कुआं था, तुम लोग कहां जा रहे हो? तो तुम चाहते हो कि वो लोग यूसुफ को कुएं से निकालें और उसे वापस बाबा के पास ले जाएं? कुआं जितना दूर होगा इसकी वापसी के इम्कान इतने ही कम होंगे। बस पहुंच गए, कुआं वहां है उस सड़क के पास। कुएं का पानी खारा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो अच्छा है, इसी वजह से तो कारवां वाले कभी इस कुएं के पास पड़ाव नहीं डालते। तुम चुप रहो, मैं जानबूझ के सरफ आया हूँ। लेकिन ये तो यूसुफ को मारने के मुतरादिफ है। चलो तो बहुत गहरा है। कोई बात नहीं, जा अशीर, जाओ और जाकर रस्सी के सारे टुकड़े ले आओ, अगर उन्हें जोड़ा जाए तो लंबी हो जाएगी। यहूदा, इस कुएं का पानी बहुत खारा है, कोई भी कारवां इससे पानी नहीं लेता, भूले भटके आ जाए तो अलग बात है। मुझे यकीन है वो इस कुएं में प्यासा मर जाएगा। बकुमत, मुझे पता है, ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ। हमें क्या, हमारी बला से, चाहे जो भी हो, जिए या मरे। हाँ छोड़ दो इसे यहूदा, मैं खुद कर लूंगा। माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा गुनाह क्या है? आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा गुनाह क्या है? आप लोग ये जुल्म मुझ पर क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, हमसे ही तुम्हारी बर्तरी और सरवरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हम सब तुम्हारे उस मकाम से जो खुदा ने तुम्हें अता किया है हसद करते हैं। मुझे
कुएं से डर लगता है, बहुत तारीख है। डरो मत मेरे भाई, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो यहूदा, यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है, मुझे कुएं से डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बाबा से दूर हो जाऊं, तो मैं वादा करता हूं, अगर मुझे छोड़ दो तो यहां से ऐसी जगह चला जाऊंगा कि बाबा को कभी ना मिल सकूं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। ठहरो, डर लगता है। रुक जाओ, अब क्या हुआ? जब घर जाएंगे और बाबा यूसुफ के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे उसे भेड़िया खा गया। और क्या, बाबा खुद ही इसी वजह से परेशान थे कि उसे कहीं भेड़िया ना खा ले। बाबा को पता है कनान में भेड़िये बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में कोई निशानी होना जरूरी है। निशानी? मसलन यूसुफ का खून भरा कुर्ता कैसा रहेगा? मुझे चलो। नहीं नहीं, मेरी मदद करो, मुझे डर लगता है, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो। नहीं, मुझे लावी से बात करनी है। नीचे उतारो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, पूछने दो क्या कह रहा है। बेकार वक्त जाया मत करो, चलो नीचे उतरो। तुम लोगों ने तो उसे कुएं में डाल ही देना है, तो चलने में देर या सवेर होने से क्या फर्क पड़ता है, देखने तो दो क्या कह रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? तुम मुझे अच्छे लगते हो और मुझे तुम्हारे अच्छे होने का यकीन है। हालांकि मेरे तमाम भाई मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो सितम मुझ पर ढाए गए हैं बाबा उससे बाखबर हो जाए कि उनकी बद्दुआ आप सब लोगों को नाबूद कर देगी। किसी और को भी मत बताना, कहीं वो बाबा को ना बता दे। ये वाकया खुदा से छुपा नहीं रहेगा, खुदा के गजब से आप लोग अमान नहीं पा सकेंगे। तौबा कर ले, तौबा कर ले, ताकि परवरदिगार बच्चे पर सितम ढाने की वजह से आप लोगों पर अजाब नाजिल ना कर दे। बाबा के बकौल मैं खुदा के पैगंबरों में से एक होऊंगा, ये आप जानते हैं, फिर भी इस तरह मुझ पर सितम ढा रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करें। खुदा हमें माफ करे। लानत हो हम पर जो खुदा से बेखबर हैं। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है वो तो दरिंदे भी अपने हमजिंसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर कुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या हुआ, क्यों देर लगा रहे हो? चलो आओ, बचाओ, बचाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लावी, मुझे डर लग रहा है, खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी, मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा, बाबा, लावी, लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लावी, मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। Thank you.
उसकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या हुआ, हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हमउमर भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है, हम सब बराबर के शरीक हैं। तुम भी इस काम में कसूरवार हो, लिहाजा मेरे सामने बेगुनाह शरीक बनने की जरूरत नहीं है। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। मैं जानता था एक न एक दिन आपकी ज़ियारत जरूर करूंगा। आप कौन हैं? कई ज़मानों से मुंतज़िर एक शख्स। आप मुझे कैसे जानते हैं? गुज़श्ता अंबिया में से एक नबी ने मुझे जब आपके वाकयात बताए तो मैं आपका फरिश्ता हो गया। तब से आपके दीदार का मुश्ताक था। उनसे आपका पता पूछा, कहने लगे एक रोज इसी कुएं में दुनिया के बादशाह का सहूर होगा। और आप मेरे इंतजार में यहाँ बैठ गए? 1200 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, एक नजात दहिंदा का मुंतजर, जिन पैगंबर ने आपके आने की खबर दी। फरमाया, जाओ दुनिया के इस कुएं में इंतजार करो, एक रोज यूसुफ आएंगे। और आज वो रोज मौत आ पहुंचा। मैं भी आपके दीदार से खुश हूँ। मैंने तमाम अंबिया का जमाना देखा, हर एक ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। हूद नबी ने कहा था कि ए यूसुफ, तुम दादरस हो, सितम सदों की दादरसी करना। सालेह नबी ने कहा, ए यूसुफ, तुम्हारी कुनियत मेरे हम नाम पे, बंदगान खुदा के हुकूक के लिए उठ खड़े हो। यूनुस नबी ने कहा, तुम गुज़श्ता तमाम अंबिया के वारिस हो, लिहाजा उन तमाम की आरज़ूओं को अमली जामा पहनाना जिस नबी ने आपके आने की खबर दी। उन्होंने आपके लिए एक निशानी भेजी है, मौत। मौत, मौत। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, गिरा कदर निशानी है। मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे मुलाकात का इश्तियाक था, सो आंखें आपके दीदार से मुनव्वर हो गईं। आप मजीद कोई आरज़ू नहीं रखता। आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, कुछ ऐसा बताएं जो दुनिया के इस कुएं में मेरे किसी काम आ सके और जो तमाम मुश्किलात में मुश्किल कुशाई करे। कुल कायनात का रम्स तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें किसी नसीहत की क्या जरूरत? कौन सा रम्स? गौर करो, तुम्हारे हर हाथ में कितने जोड़ और कितनी उंगलियां हैं। पांच उंगलियां?
14 जोड़। बस यही वो राज है जो बताया, 5 और 14। 5 और 14 क्या मतलब? ये रमजाखरी पैगंबर के जमाने में आश्कार होगा और रमजे वजूद कायनात भी यही दो अदद है। इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, इससे सुकून और नजात पाओगे, इससे सुकून और नजात पाओगे। ए बुजुर्ग, ए मर्दे मुंतजिर, आप कहाँ हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? कुल कायनात करम से तुम्हारे अपने हाथों में है। इस मोहर को छूने से मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? फान थम गया? अब कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलना नहीं? खड़े क्यों हो? चले। सुना नहीं? अब चल भी दो। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं डूब ना गए हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कैसे बच गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजबूर हूँ, तुम्हारे संगदिल और बेरहम भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी है, बर्दाश्त करो, खुदा पर तवक्कल करो। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊंगा। परेशान मत हो। खारे पानी से परेशान मत होना, हम तुम्हारे लिए मीठा पानी ले आएंगे। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में उसे मारना चाहते थे और जानते थे कि इस कुएं का पानी खा रहा है और वो मर जाएगा? हाँ, जानता था, लेकिन यहूदा ने नहीं बताने दिया। अब चल भी दो, रास्ता लंबा है। ये तो मीठा है। इसराइल के बेटे चले गए, मुझे भी मजबूरन जाना होगा। दावी, मुझे डर लग रहा है। कल आऊंगा, बस आज रात गुजार लो। लावी, शमोन, मत जा, मुझे अकेला मत छोड़ो।